हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में हम क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 एनवायरनमेंट की एक्सरसाइज देखने वाले हैं, यानी क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। इससे पहले मैं एनवायरनमेंट चैप्टर को ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ एक वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर सबसे पहले वो वीडियो देखिए जिससे आपको क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आएंगे। तो चलिए लेट्स मूव अहेड। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपसे पूछा गया है ए पार्ट में, व्हाट इज़ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम क्या होता है। सो आंसर आप लिख सकते हैं द इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट एनिमल इन ह्यूमन बीइंग्स विद योर इमीडिएट इन्वायरमेंट और सराउंडिंग्स इज कॉल्ड एन इकोसिस्टम। तो एक्चुअली दो दो बार यहाँ पर लिखा हुआ है, यही सेम चीज़, यही चीज़ यहीं पर यहाँ पर भी लिखी हुई है, ठीक है। तो दोनों में से कोई भी आंसर आप लोग लिख सकते हैं इकोसिस्टम के लिए, ठीक है। इंटरेक्शन ऑफ प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग उनके एनवायरनमेंट और सराउंडिंग के साथ इकोसिस्टम कहलाता है। देन क्वेश्चन नंबर आपका जो बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो है व्हाट डू यू मीन बाय नेचुरल एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट क्या होता है। देखिए द एनवायरनमेंट दैट कंसिस्ट्स ऑफ द एलिमेंट क्रिएटेड बाय नेचर इज कॉल्ड द नेचुरल एनवायरनमेंट, यानी जो एनवायरनमेंट होता है जिसमें एलिमेंट्स होते हैं नेचर के द्वारा क्रिएट किए गए, वो नेचुरल एनवायरनमेंट होता है, जैसे लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। सी है व्हाट आर द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। तो देखिए एनवायरनमेंट के जो मेजर कंपोनेंट्स होते हैं वो हैं नेचुरल कंपोनेंट्स, ह्यूमन कंपोनेंट्स एंड ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स। नेचुरल कंपोनेंट्स में सारे ऑब्जेक्ट्स आते हैं क्रिएटेड बाय नेचर सच एज प्लांट्स, एयर, लैंड एंड वाटर। ह्यूमन कंपोनेंट्स में ह्यूमन बींग्स आते हैं एंड ह्यूमन बींग मेड कंपोनेंट्स में दीज इंक्लूड्स एवरीथिंग दैट इज मेड बाय मैन और ह्यूमन। वही तो ह्यूमन मेड कहलाएगा ना, तो मैन और ह्यूमन के द्वारा बनाई गई हर चीज़ ह्यूमन मेड कंपोनेंट्स में आती है, जैसे बिल्डिंग, पार्क्स एंड रोड्स। और ये सारी की सारी चीज़ें जो क्वेश्चन आंसर में पूछी गई हैं ऑलरेडी हम काफ़ी अच्छे से पढ़ चुके हैं चैप्टर में। तो चैप्टर मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर आपने चैप्टर एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हैं। डी पर बढ़ते हैं, डी में आपको 4 एग्जाम्पल्स देने हैं ऑफ ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट, यानी जो ह्यूमन द्वारा बनाया गया है, मानव निर्मित। तो ह्यूमन एनवायरनमेंट आर दोज दैट इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय मैन और ह्यूमन। यहाँ पर ह्यूमन मेड आएगा, एक्चुअली ह्यूमन एनवायरनमेंट नहीं, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में भी पूछा गया था एग्जाम्पल ऑफ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, तो वहाँ पर आंसर में भी आप लिखोगे द ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट आर दोज दैट इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज मेड बाय मैन और ह्यूमंस, ठीक है। जैसे पार्क, बिल्डिंग, रोड एंड इंडस्ट्रीज, ये सारी की सारी चीज़ें, इंडस्ट्रीज हो गई, रोड, बिल्डिंग, पार्क्स, हॉस्पिटल्स, ये सारी की सारी चीज़ें बनाई हैं ह्यूमन ने, राइट। तो ये सी चीज़ें आ जाएंगी ह्यूमन मेड इन्वायरमेंट में। एंड देन नेक्स्ट ई है व्हाट इज़ लिथोस्फेयर, लिथोस्फेयर क्या होता है। तो देखिए लिथोस्फेयर और द डोमेन ऑफ लैंड इज द सॉलिड क्रस्ट और द आउटर मोस्ट हार्ड लेयर ऑफ द अर्थ, अर्थ की जो आउटर मोस्ट हार्ड लेयर होती है, यानी जो सॉलिड क्रस्ट होता है ना, जो कि रॉक्स और मिनरल से जो भी पार्ट बना होता है और सॉइल की थिन लेयर से ढका होता है, वो जो होता है उसे हम लिथोस्फेयर कहते हैं। इट इज़ एन इरेगुलर सर्फेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स सच एज माउंटेन, प्लेट्यूज, प्लेन्स एंड वैलीज, पठार, माउंटेन, प्लेट्यूज, वैलीज, ये सारा के सारे आते हैं लिथोस्फेयर में। उसके बाद 2 मेजर कंपोनेंट बताने हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के। तो देखिए बायोटिक एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स इन एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम में जितने भी लिविंग बीइंग्स आते हैं वो सारे के सारे बायोटिक एनवायरनमेंट के हिस्सा हैं। द 2 मेजर कंपोनेंट ऑफ बायोटिक एनवायरनमेंट आर प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये 2 मेजर कंपोनेंट हैं बायोटिक एनवायरनमेंट के विच आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। देन आपको बताना है बायोस्फीयर क्या होता है। तो बायोस्फीयर अर्थ की नैरो जोन है जहाँ लैंड, वाटर एंड एयर एक दूसरे से मिलते हैं, ठीक है। मतलब बायोस्फीयर एक ऐसी जगह है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करती है, जहाँ पर लैंड, एयर एंड वाटर मिलते हैं, इंटरेक्ट करते हैं एक ईच विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। क्योंकि जब ये 3 मिलेंगे तभी हमारी लाइफ, जब भी हम सर्वाइव कर पाएंगे, जब लैंड हो, वाटर हो और एयर हो, ठीक है। तो उसी बायोस्फीयर, वही नैरो जोन होता है अर्थ का जहाँ ये तीनों इंटरेक्ट करते हैं विद ईच अदर टू सपोर्ट लाइफ। इट इज़ ऑल्सो नोन एज लिविंग वर्ल्ड दैट कंसिस्ट ऑफ बोथ प्लांट एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। तो जो हमारा लिविंग वर्ल्ड है वो ही क्या है, बायोस्फीयर है, जहाँ पर प्लांट और एनिमल किंगडम दोनों ही होते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन आ जाता है जो कि है टिक द करेक्ट आंसर, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट। इसमें आपको सबसे पहले बताना है विच इज़ नॉट अ नेचुरल इकोसिस्टम, यानी इनमें से नेचुरल इकोसिस्टम जो नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शंस हैं डिजर्ट, एक्वेरियम, फॉरेस्ट,
हाँ तीन ही ऑप्शन है, तो उसमें से आप एक्वेरियम को चिक लगाएंगे, बिकॉज एक्वेरियम एक नेचुरल इकोसिस्टम में नहीं आता। बाकी डेजर्ट और फॉरेस्ट तो देखो नेचुरल ही हैं, है ना, तो एक्वेरियम पे आप टिक लगा दोगे। उसके बाद विच इज़ नॉट अ कॉम्पोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट, ह्यूमन एनवायरनमेंट का जो कॉम्पोनेंट नहीं है वो आपको बताना है, तो ये लैंड आ जाएगा, ठीक है। बाकी रिलीजन और कम्युनिटी तो ह्यूमन एनवायरनमेंट में आती ही हैं, अलग अलग रिलीजन के होते हैं लोग, अलग अलग कम्युनिटीज़ होती हैं, लेकिन लैंड जो है एक नेचुरल में आ जाता है, ह्यूमन में ही आता, ठीक है। तो लैंड इज़ द नेचुरल कॉम्पोनेंट, ठीक है, वेयर इज़ द अदर आर ह्यूमन, मतलब आपको बता रखा है एक तरीके से, आंसर आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, आपसे बोला गया टिक द करेक्ट आंसर, तो सिर्फ आप टिक करेंगे तो चलेगा। ये यहाँ पर नीचे आंसर इसलिए दे रखा है जिससे आपको समझ आ सके कि हमने लैंड को टिक क्यों किया। तो रीज़न दिया गया है लैंड नेचुरल कंपोनेंट है, जबकि बाकी सारे रिलीजन और कम्युनिटी हमारे ह्यूमन एनवायरनमेंट में आते हैं, और यहाँ पूछा गया था जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, तो वो लैंड है जो ह्यूमन एनवायरनमेंट का हिस्सा नहीं है, बिकॉज लैंड इज़ अ नेचुरल कंपोनेंट। देन आपसे बोला गया है विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में क्या आता है, तो देखो रोड आता है, ठीक है, लेकिन माउंटेन एंड सी ये हमारे नेचुरल हो जाते हैं, ठीक है। तो विच इज़ अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट कौन सा है, रोड है, तो रोड पे आप टिक लगाओगे। उसके बाद विच इज़ अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के लिए क्या थ्रेट है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, ग्रोइंग पॉपुलेशन, ठीक है। एंड देन आपके मैचिंग आ जाती हैं क्वेश्चन नंबर 3 में, मैच द फॉलोइंग, नेक्स्ट पेज पर होगा, चलिए देखते हैं, मैच द फॉलोइंग, बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, एनवायरनमेंट, एंड हाँ बस यही है, इनको आपको मैच करना है। ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, डोमेन ऑफ वाटर, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, आवर सराउंडिंग, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ये सारे ऑप्शन आपको दिए गए हैं। तो बायोस्फीयर तो लास्ट सेकेंड लास्ट वाले से मैच हो जाएगा, एटमोसफेयर को भी ऐसे ही आपको मैच करना है, हाइड्रोस्फीयर को भी एंड एनवायरमेंट को भी, एनवायरमेंट आपका मैच हो जाएगा। चलिए सबसे पहले हम ऐसे ही देख लेते हैं, देखो सबसे पहले आप सभी को मतलब पता है इनका, एक ऐसा ब्लैंकेट ऑफ एयर जो कि अर्थ को सराउंड करे, डोमेन ऑफ वाटर, उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है अर्थ का, गुरुत्वाकर्षण शक्ति, फिर आवर सराउंडिंग यानी हमारे आसपास का सराउंडिंग, ठीक है, और एक ऐसा नैरो जोन जहाँ पर वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, ये तो अभी हमने पढ़ा बायोस्फीयर में होता है, ठीक है, और रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ऑर्गेनिज्म और उनके सराउंडिंग के बीच का जो उनका रिलेशन होता है वो, ठीक है। तो अब आप मैच करेंगे, तो बायोस्फीयर मैच हो जाएगा ई से, नैरो जोन वेयर लैंड वाटर एंड एयर इंटरेक्ट, उसके बाद एटमॉस्फेयर आप मैच करोगे ए से, ब्लैंकेट ऑफ एयर विच सराउंड द अर्थ, एटमॉस्फेयर देखिए बेसिकली एटमॉस्फेयर तो वही होता है ना, हवा, एक तरीके से हवा का एकदम चादर, हवा की चादर जो पूरे अर्थ को घेरी हुई है वो होता है एटमॉस्फेयर, ठीक है। तो एटमॉस्फेयर ए से, बायोस्फीयर ई से मैच होगा, उसके बाद हमारा हाइड्रोस्फीयर बी से मैच हो जाएगा, हाइड्रोस्फीयर डोमेन ऑफ वाटर होता है, एबायोटिक कंपोनेंट होता है बेसिकली हाइड्रोस्फीयर, दैट कॉम्प्रेसाइजेज द वाटर, जिसमें वाटर आ जाता है, तो हाइड्रोस्फीयर में वाटर आता है, ठीक है, जितने भी सी वगैरह हैं हाइड्रोस्फीयर में आ जाएंगे। उसके बाद इन्वायरमेंट तो हमारी सराउंडिंग ही होती है, इन्वायरमेंट यानी रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर सराउंडिंग, ठीक है। तो इस तरीके से मैच हो जाएगा, ये आप मैचिंग कर लेंगे। और नेक्स्ट देखिए क्या है, फोर्थ का एक क्वेश्चन है, गिव रीजंस, मैन मॉडिफाइज हिज एनवायरनमेंट, इसके लिए आपको रीज़न देना है। तो देखिए मॉडिफिकेशन ऑफ एनवायरनमेंट मींस अल्टरिंग और चेंजिंग द इंटीमेट इमीडिएट सराउंडिंग्स, एज द पॉपुलेशन इज ग्रोइंग ह्यूमन नीड्स एंड डिजायर्स आर ऑल्सो ग्रोइंग, टू फुलफिल द नीड्स ह्यूमन और मैन मॉडिफाइज द एनवायरनमेंट इन मेनी वेज, फॉर एग्जाम्पल ट्रीज आर कट टू मेक बिल्डिंग्स और कमर्शियल प्लेसेस, एनिमल्स आर किल्ड फॉर देयर स्किन एंड टस्क्स। तो यहाँ पर ना आपको रीज़न देना था, तो यहाँ मैन अपने एनवायरनमेंट को क्यों मॉडिफाई कर रहा है, तो देखो मॉडिफिकेशन का बेसिकली मतलब होता है कि आसपास की चीज़ों को चेंज करना, ठीक है, उनको बेहतर बनाना। तो पॉपुलेशन ग्रो हो रही है तो ह्यूमन के जितने भी डिज़ायर्स हैं वो भी ग्रो हो रहे हैं, तो अपनी नीड को पूरा करने के लिए ह्यूमन या एक मैन अपने एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करता है इन डिफरेंट वेज, ठीक है। फॉर एग्जांपल ट्रीज को कट कर देना बिल्डिंग बनाने के लिए, या फिर कमर्शियल प्लेसेस बनाने के लिए, एनिमल्स को मार देना उनकी स्किन के लिए, तो ये सब मॉडिफिकेशन ही तो है, और क्या है, मॉडिफाई कर रहा है एनवायरनमेंट को एक मैन। उसके बाद आपको रीज़न देना है, प्लांट एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर, क्यों इसका रीज़न देना है, तो देखो प्लांट्स एंड एनिमल डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर मेनी थिंग्स, काफ़ी चीज़ों के लिए, जैसे खाना और शेल्टर के लिए, जहाँ वो रह सकें और जहाँ उन्हें खाना मिले, ठीक है। तो एनिमल्स प्लांट को खा जाते हैं, ठीक है, और प्लांट उनका भोजन बन जाता है, ठीक है, तो इसी वजह से एनिमल्स प्लांट पर डिपेंड हैं भोजन की वजह से,
शेल्टर की वजह से, और प्लांट अपना ओन फूड बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, ठीक है, वो एनिमल ले लेते हैं, क्योंकि एनिमल अपना फूड तो खुद बना नहीं सकते, और हमें, हम सभी को, हम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट पर ही डिपेंडेंट होते हैं। उसके बाद प्लांट्स ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जो कि एनिमल्स लेते हैं ब्रीथिंग के दौरान, तो इन रिटर्न एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं प्लांट को, ठीक है। तो एक दूसरे पर डिपेंड ही हुए ना, कि अगर एनिमल ना हो तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड ना मिले और वो ऑक्सीजन नहीं दे पाएगा, और जब वो ऑक्सीजन दे रहे हैं प्लांट तो वो एनिमल्स उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है एक प्लांट को, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करके फिर वो आगे का फूड बना पाता है अपना। तो अब थर्ड है, प्लांट प्रोवाइड शेल्टर टू एनिमल्स सच एस मंकीज एंड बर्ड्स। अब जो प्लांट होते हैं वो घर कैसे देते हैं एनिमल्स को, घर इसलिए देते हैं, जैसे मंकी हो गए, बर्ड्स हो गए, सब तो पेड़ों पर ही रहते हैं, पेड़ भी तो प्लांट ही का ही हिस्सा होते हैं, इसलिए तो इसलिए ये दोनों प्लांट और एनिमल एक दूसरे पर डिपेंड हैं। इतने सारे रीजंस हमने यहाँ पर देखे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें आपको इमेजिन करना है एक आइडियल इन्वायरमेंट वेयर यू वुड लव टू लिव। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर आइडियल इन्वायरमेंट, यानी एक ऐसा इन्वायरमेंट जहाँ पर रहना पसंद करेंगे। एक होता है पॉल्यूशन से भरा रोड के पास, ऐसे इन्वायरमेंट में नहीं रहना पसंद करेंगे। आप किस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करेंगे, आप, आपकी मर्ज़ी है। आप चाहें तो कहीं खुली जगह रह सकते हैं, आप चाहें तो एकदम जहाँ पर भी आप रहना पसंद करें, जो भी आपके लिए एक आइडियल एनवायरनमेंट हो उसे आप ड्रॉ करेंगे। जैसे एक खुली जगह जहाँ पर मैदान हो, आप अगर वहाँ रहना पसंद कर करते हैं तो आप उसको ड्रॉ करेंगे। जैसे ये जगह, ऐसी जो जगह है मैं तो यहाँ रहना पसंद करूँगी। जैसे आप देख सकते हैं कितना खुला खुला एरिया है और एकदम शांति हो, हवा अच्छी हो, शीतल हो, बिना पॉल्यूशन के, ऐसी जगह रहना ज़्यादातर पसंद करते हैं। तो आप बना सकते हैं, आंसर आप पे वेरी करता है। स्टूडेंट किसी और की पिक्चर बना सकते हैं जहाँ पर ग्रीनरी हो, प्लीजेंट एटमोसफेयरिक कंडीशंस हो, ठीक है। तो ऐसी जगह ही आप बना, ज़्यादातर रहना लोग पसंद करते हैं जहाँ पर ग्रीनरी हो, है ना। तो आप ड्रॉ कर सकते हैं अपने हिसाब से, अकॉर्डिंग टू यू, जहाँ आप रहना पसंद करेंगे। तो हाँ, यही था हमारा क्लास 7 ज्योग्राफी चैप्टर 1 की क्वेश्चन आंसर बुक एक्सरसाइज। आई होप आपको समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।